हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक। तो गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट टेक्सचर पैक लेकर आ चुका हूँ रेसिडेंट ईविल 4 का। क्योंकि यार यहाँ पे रेसिडेंट ईविल 4 का रीमेक काफ़ी ज़्यादा क्रेज चल रहा है, बट यहाँ पे चेंज करने वाले हैं हम लोग PS2 यानी कि एथर X2 और PCX2 के अंदर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने टेक्सचर पैक लगा के। गेम का जो लुक है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, जैसा कि आप पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कपड़े का कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हेयर स्टाइल, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि यार यहाँ पे रेसिडेंट ईविल 4 का रीमेक यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हो। और काफ़ी तक कूल हो जाएगा आपका जो ग्राफिक है दोस्तों यहाँ पे रेसिडेंट ईविल 4 का। बाकी आप देख ही सकते हो कैसा दिख रहा है। तो आप लोगों को अगर ये वाला टेक्सचर पैक चाहिए तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड एकदम सिंपल है भाई, यहाँ पे मीडियम फायर में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्सचर पैक कैसा होने लिया है, यहीं पर आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो पहले तो यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो और कट भी कर सकते हो, दोनों से एक कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड और डाटा के अंदर जाना है और सबसे नीचे आना है XYZ एथर X2। तो यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे टेक्सचर पैक लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट मार देना है। उसके बाद यहाँ पे ओवरराइट फाइल, यहाँ पे मेरे में तो दिखा रहा है, आपके में नहीं दिखाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, सीधा कॉपी हो जाएगा। और इस फाइल को ओपन करके देख सकते हो आखिरकार क्या क्या चेंजेस मिलता है आपको यहाँ पे टेक्सचर पैक के अंदर। बाकी यार यहाँ पे गेम को फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ सेटिंग यहाँ पे ऑन करना पड़ता है तभी यहाँ पे टेक्सचर पैक जो यहाँ पे काम करेगा, वरना भाई यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। तो पहले तो यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं और यहाँ पे ग्राफिक्स में जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे आना है लोड टेक्सचर। यहाँ पे देख सकते हो ऑन है, अगर इसे ऑफ कर दोगे तो गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता, देखो चेंज आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पे एक और सेटिंग होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है सेटिंग, यहाँ पर मैंने ग्राफिक्स में गया और सबसे नीचे आना और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑन है। अगर मैं इसे ऑन, मतलब ऑन जो है इसे ऑफ कर दूंगा तो गाइस यहाँ पे अपना जो टेक्सचर है दोस्तों यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बट हमें तो गाइस यहाँ पे टेक्सचर पैक लगाना है, तो दोनों को ऑन कर देते हैं, यहाँ पे लोड वाले टेक्सचर पैक और यहाँ पर भी ऑन कर देते हैं क्योंकि दो सेटिंग यहाँ पे रहता है। तो फटाफट यहाँ पे मैं इसे ऑन कर देता हूँ और गेम के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना जो डिस्प्ले, मतलब जो स्क्रीन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे भी ठीक करना पड़ेगा और यहाँ पे अपने हिसाब से ग्राफिक्स को कम ज़्यादा कर देना, ठीक है। तो यहाँ से तो नहीं होगा गाइस अपना जो स्क्रीन है, क्योंकि यहाँ पे गेम के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑन करके रखा हुआ है, तब भी से नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल सेटअप या और यहाँ पे उसके नीचे आएंगे स्क्रीन वाले में, तो यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे वाइल्ड स्क्रीन, तो इसे ऑन करते ही गाइस यहाँ पे अपना जो स्क्रीन है दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा फिल हो जाएगा अपने डिस्प्ले के हिसाब से और अपना जो गेम है दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। रेसिडेंट ईविल 4 टेक्सचर पैक का यहाँ पे मजा ले सकते हो। बाकी यहाँ पे रीमेक भी आया जो यार काफ़ी ज़्यादा कूल है, बट हम लोग भाई अपने मोबाइल के अंदर चला नहीं सकते, लेकिन इसका मजा गाइस यहाँ पे हम लोग एथर X2 के अंदर ले सकते हैं। बाकी ये वाला वीडियो कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अमेजिंग गेम प्ले वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।